खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजभवन चलू मार्च में फिलहाल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का संबोधन शुरू हो गया है। अब सुनिए, मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है जो अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। वो कहता मेरे को क्या बनाओगे, और भाई पहले कांग्रेस को बना लो, अगर कांग्रेस जिंदा तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए, कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा कि जिसका आदमी है उसका आदमी है, उसको टिकट दे दो। जो कांग्रेस का है, वर्कर है, उसको टिकट मिलेगी। इनडिसिप्लिन इतना है। आज अडानी की बात करनी है, पहले मैं ये कर लूं कि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा अडानी को, हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, जो है तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। आप अडानी अडानी कर रहे हो, मोदी मोदी करो। तो मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी यह लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अडानी साथ ही मर जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जब कांग्रेस आए, अडानी अडानी नहीं आने चाहिए, इनको अंदर जेल जानी चाहिए, जेल में जाने चाहिए। कहीं लीडर इनको साथ लेकर न चल पड़े। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में आतंकवाद खत्म किया पंजाबियों ने किया। अगर अडानी को खत्म करना राजस्थान वालों आपने करा, जो मेरे सामने बैठे हो। बहुत कई बार मैंने देखे हैं, मेरे फादर के टाइम जब पहली बार मिनिस्टर बने, तो जो देशभक्त थे उनको मिलने का मौका मेरे को बहुत मिला। तो जब भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान आजाद भी हो सकता है। तो आज कहने लगे हम आजाद हैं, मैं इसी बात में खुश हैं कि हमारा देश हमारे जिंदा रहते हुए आजाद हो गया। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। फांसी पर कौन चढ़ा? मोदी का परिवार नहीं, अमित शाह का नहीं, कांग्रेस के लीडर जो हैं उनके अभी उनकी पांच पीढ़ी जो है वो अभी कांग्रेस के साथ हैं। यार उनका तो हम नाम नहीं लेते, कहां गए वो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, वहां हर कांग्रेसी का खून जहां वहां है, फांसी के फंदों पर वहां चढ़े, कोड़े खाए। तो मोदी कहता है कि जी कांग्रेस ने किया क्या है,
कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजाद करवा के दिया, तेरे जैसे बेईमान आदमियों को देश दे दिया है। और भाई आप राजस्थानी हो, पंजाबी और आप हम, मैं भी रंधावे जो होते हैं ना, इनको रन धावा बोलते हैं कि रन में लड़ने वाले, तो हम भी राजस्थान से गए। हिस्ट्री निकालिए, जो कास्ट है उसका निकालिए। तो हमें अब लड़ाई लड़नी होगी, तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? राजस्थान से लड़ी जाएगी। इसको रणभूमि बनाइए, जहां से इसको खत्म करिए। मोदी को अडानी तो आज ही हम नहीं पत्थर रख देंगे, जब अगर राजस्थान जीत गए तो अडानी अगले दिन ही खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तगड़े होकर जो आप कांग्रेस ही बैठे हो, अपने आप में करंट लेकर आओ। मैं देख रहा हूं मेरे प्रेस वाले भी कहेंगे कि प्रभारी कह गया कि करंट नहीं है, करंट लेकर आओ अपने आप में, तो ये फिर डरेंगे जो स्टेज पर बैठे हैं। आप चौधरी साहब बैठे हैं, इनको पता है इन्होंने कैसे करंट पंजाब में पैदा किया था। चौधरी साहब वैसे 2017 वाला करंट आना चाहिए। हम कठे काम करते रहे हैं पंजाब में 2017 में, आशा कुमारी जी और दोनों थे, एक एक कांग्रेसी के घर गए, कांग्रेस को खड़ा किया, 10 साल का राज अकाली दल का खत्म किया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, इतने माफिया थे पंजाब में। कांग्रेस में 6 महीने में इलेक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया बादल परिवार को, और सदा के लिए अकाली दल ही हमने खत्म कर दिया। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। हम कहते हैं कि हम देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्ति हम लेकर आएंगे और तभी देश बचेगा। दर निकाल दो, जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि डरो मत, करना नहीं चाहिए, छाती तान कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव, हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, अरे भाई और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ, आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए, कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। कैसे जा रहे हैं लड़के? कितने लोग बाहरी कंट्रियों में बच्चों को जमीनें बेच बेच कर जा रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? उनको जाने से कांग्रेस रोकेगी। जब कांग्रेस आएगी तो वो नौकरी जब पैदा करेगी, मोदी नहीं करेगा कभी। आपका ईआरसीपी का है, आपकी लाइफ लाइन है, जाएगा मंत्री गजेंद्र सिंह है, मोदी ने कई बार अनाउंस कर दिया अगर पानी नहीं है तो राजस्थान नहीं है, अगर पानी आ गया तो राजस्थान है, तो क्यों नहीं मोदी उसके ऊपर बोलता? क्यों इसलिए नहीं बोलता कि अडानी ने नहीं कहा होगा कि अभी नैब मेरे लिए रहने दो? 14,000 करोड़ माफ कर दिया किसानों का कोऑपरेटिव बैंक ने, क्यों नहीं जो दूसरे बैंक है नेशनलाइज बैंक, वो क्यों नहीं लिस्ट दे रहे स्टेट गवर्नमेंट को? किसने देनी है? चौधरी को पता है कि हमने पंजाब में कर्जा माफ किया, जो बैंक थे नेशनलाइज बैंक उन्होंने आज तक पंजाब गवर्नमेंट को लिस्ट नहीं दी कि कितने लोगों का कर्जा हमारे पास है। मोदी कभी नहीं चाहेगा कि किसान कर्जे से बाहर आ सके।
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर अडानी अबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म सबसे पहले करो, उसको बीजेपी को हराओ, भैंस मार दो, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आपने विधानसभा में जाना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खास करके आपका, और एमएलए साहबान को मैं कहता हूं क्या आप इलेक्शन मोड में भी आओ। आपने कहा डोटासरा जी के हाथ से हाथ जोड़ो का मुहिम चल रही है, उसका आसरा मत लो, हमें सीधा लोगों के पास जाना होगा, उनसे पूछना होगा कि क्या आपकी कमी है, क्या मैंने गलती की है। तो और एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जय अंग्रेजों का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है, आप खुलकर बोलिए, जिसने काम नहीं किया उसको कहा आपने काम नहीं किया, काम करो। अगर कांग्रेस, मैं देखता हूं यही काम खराब करते हैं, जिसको बंद कर दो, जब जिंदाबाद कहते हो ना इसलिए लीडरों का दिमाग खराब हो जाता है। आप बात सुना करो पहले, अगर कांग्रेस का वर्कर जिंदा है तो कांग्रेस जिंदा है, हमें कांग्रेस के लिए काम करना है, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करना, हम संस्था हैं, किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, कांग्रेस के नाम पर कोई चलता। भाइयों, मेरी बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का असर है तो वो लेडीज का है, तो आप भी थोड़ा काम करिए, जो पहले महिला कांग्रेस थी वैसी कांग्रेस को मजबूत करिए आप, और सभी मिलकर सामने एनएसयूआई बैठी है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि ये काफी तादाद में यहां नहीं सभी जगह, और जो कांग्रेस, इनको मैं कहता हूं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, इनको हमने साथ लेकर चलना है, इनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है उससे ज्यादा देनी है कि ताकि ये हमारा सबसे ज्यादा प्रचार जाकर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत आभार। अब सब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वक्ताओं ने संदेश दिया है उसको जन जन तक लेके जाएंगे, घर घर में इस बात को पहुंचाएंगे, मांग नहीं अब रण होगा। तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे थे, और बारी बारी से सबने अपना संबोधन दिया, क्योंकि जयपुर से तस्वीरें थी। चलिए इस बुलेटिन में